वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फान विद कुकिंग। आज मैं बीट रूट का कंजी बनाती हूँ। समर के स्टार्टिंग में ही ये कंजी बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत अच्छी तरह से ये फर्मेंटेड होकर बनती है। कंजी एक नेचुरल हेल्थ ड्रिंक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। एक बीट रूट लिया, इसे अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया और इसका दोनों साइड को मैं पहले काट लेती हूँ और इसके बाद इसे अच्छी तरह से पील कर लेती हूँ। बीट रूट जितना फ्रेश होगा कंजी का कलर उतना ही अच्छा आएगा, इसलिए बीट रूट का कंजी बनाते वक्त बीट रूट फ्रेश लेने का कोशिश करें। बीट रूट को मैं अच्छी तरह से छील लिया, अब इसे पतला पतला स्लाइस कर लेती हूँ लंबाई में, इस तरह से। तो पूरी बीट रूट को मैं इस तरह से लंबा स्लाइस करके पहले काट लेती हूँ। कंजी बनाने के लिए मैं यहाँ ग्लास का बर्तन लिया, इसके जगह आप जाग ले सकते हो, मिट्टी का बर्तन ले सकते हो, सेरामिक का बर्तन ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। तो बटल में पहले मैं काटी हुई बीट को डाल देती हूँ। अब इसमें डालती हूँ ब्लैक पेपर, रॉक सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट भी आप डाल सकते हो। एक खरबट्टा में मैं राई लेती हूँ 1.5 चम्मच के आसपास। राई के जगह आप सरसों ले सकते हो, पर पीली वाला सरसों लेना, ब्लैक सरसों में कड़वाहट ज़्यादा आता है। और लिया मैं यहाँ 1 चम्मच सौंफ, इसे रोस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। राई और सौंफ को मैं खरबट्टा में धीरे धीरे पीस लेती हूँ, दरदरा पीसेगा। मिक्सर में पीस सकते हो पर फाइन पेस्ट नहीं करनी है। मसाला का मिक्सचर मेरा बन चुका है इस तरह से। अब इसको डाल देती हूँ बीट रूट के ऊपर, डालती हूँ थोड़ी सी हींग। अब बटल का लीड कवर करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और ओवरनाइट इसे ऐसे रहने देती हूँ, जिसे मसाला बीट रूट के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ओवरनाइट उसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, बीट रूट मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब गैस को ऑन करती हूँ और छोटा सा एक पतीला में पानी को बॉयल होने के लिए रखती हूँ। बॉयल जब स्टार्ट होगा उसके बाद मिनिमम 5 से 6 मिनट तक इसे बॉयल कर लेनी है। पानी 5-6 मिनट बॉयल हो चुका है, गैस बंद कर देती हूँ और इसे हल्का सा ठंडा होने देती हूँ। पानी ठंडा हो गया है, इसको बीट रूट के बटल में डाल देती हूँ और इसके बाद इसको एक कॉटन का कपड़ा से कवर कर दूंगी, जिससे एयर सर्कुलेशन बरकरार रहे। ऊपर से लीड लगाऊंगी पर टाइट नहीं करनी है। और उसके बाद इसे मिनिमम 4-5 दिन का धूप लगाना है। धूप से ही राई फर्मेंटेड होगा और कांजी में खटास आएगी और ये फर्मेंटेड ड्रिंक बनके तैयार होगा। तो इस तरह से कॉटन का कपड़ा लेके इसे कवर कर देनी है और ऊपर से लीड को जस्ट हल्का सा लगा देना है, जिससे धूल मिट्टी अंदर ना जा पाए। तो इसे मैं धूप में रख देती हूँ। 5 दिन धूप सेकने के बाद मेरा कांजी बिल्कुल बनके तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप धूप दिखाओगे मॉर्निंग में इसे बाहर ही छोड़ना, पर शाम को ज़रूर अंदर लेके आ जाना है। मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा और इसके बाद इसे ग्लास में सर्व करती हूँ और बाकी जितना रिमेनिंग रहेगा उसको आप फ्रिज में स्टोर करके 1-2 दिन में पी सकते हो। थोड़ा सा बीट रूट भी निकाल के रखती हूँ एज ए सलाड, इसके साथ आप खा सकते हो। आप चाहो तो इस स्टेज में आपके अनुसार नमक या ब्लैक पेपर टेस्ट करके थोड़ा सा डाल सकते हो, अगर आपको कम लगे तो। तो मेरा बीट रूट का कंजी बन के बिल्कुल तैयार है। हेल्दी नेचुरल ड्रिंक्स बीट रूट का कंजी बन के बिल्कुल तैयार है। रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड वीडियो देखने के लिए, आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल हेल्दी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक हेल्दी होममेड रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।